बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मानसून सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये कहा उन्होंने। ढाई घंटे तक पीएम की आवाज दबाई गई, क्योंकि उस बात को याद प्रधानमंत्री दिला रहे थे जब वो सदन में बोलने के प्रयास कर रहे थे और लगातार विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो उनको रोकते रहे। वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर निशाने पर लिया उन्होंने विपक्ष को। पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बात कही गई कि जब भी बातचीत करने की कोशिश यहां पर की गई, जब भी सदन में अपनी बात पटल पर रखने के प्रयास किए गए तो विपक्ष की ओर से हर बार अड़ंगा डाला गया। कुछ दलों के नकारात्मक राजनीति करने को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक करके लिए है। मुझे